1 and go. एक्शन कैमरा में ना ड्यूरासेल डाल के देना चाहिए, मतलब बैटरी इतनी जल्दी लो हो जाती है समझ में ही नहीं आता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो जो राइड करना जो मेरा स्टार्ट हुआ था ना, वो भाई के साथ ही हुआ था 2012 में। 3 लीटर डाल देना। लंबा टूर है क्या? हाँ, ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा ही है। क्या है फिर, मतलब कभी कभी पैसा कम होगा? अरे यार, तो हम लोग ऐसा लंबा लंबा कैसे घूम पाएंगे फिर, इतना महंगा पेट्रोल रहेगा तो। अभी और बढ़ेगा कि ऐसे ही रहेगा? 3 दिन से बंद है। वो क्या रोड है भाई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वन वे है। तो ये है प्रसाद पाटिल, बाइक के नंबर प्लेट पे ही लिखा है पाटिल, तो आप लोग समझ सकते हो नाम ही काफ़ी है। भाई बहुत एक्सपीरियंस बाइकर है, ऐसे टाइम पे लद्दाख गए हैं जब लोग सोचा करते थे कि हम जाएंगे, और बहुत लोगों को तो पता भी नहीं था, तो भाई ने ऐसे टाइम पे लद्दाख का राइड किया। सीन क्या है? सीन कुछ नहीं, सीन अभी फिलहाल ऑफ रोडिंग है। पता नहीं यार, मतलब ना ये लोग को एक्शन कैमरा में ना ड्यूरासेल डाल के देना चाहिए, मतलब बैटरी इतनी जल्दी लो हो जाती है समझ में ही नहीं आता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। आदमी बड़बड़ाते रहे हैं और वीडियो भी रिकॉर्ड ना हो, पूरा एनर्जी वेस्ट, पूरा का पूरा कुछ मतलब नहीं है भाई। ड्यूरासेल डालो, गोप्रो वालो, एक्शन कैमरा वालो, चलना चाहिए ज़्यादा टाइम तक। तो क्या बोलते हैं भाई, मज़ा आ रहा है कि नहीं भाई? मतलब बहुत टाइम के बाद, अरे मैं क्या बोलूँ, मतलब 8-9 महीने के बाद वो बाहर आए क्या। और अभी हम लोग ने साथ में स्पीति का राइड किया था, तो वो टाइम पे हम लोग गए थे साथ में, तो उसके बाद अभी हम लोग बाहर आए। जिस किसी को भी अस्नास डैम में जाना है, तो जो हाईवे है, पहले तो वसई फाटा से 5 किलोमीटर दूर आपको आगे आके राइट लेना है हाईवे से वज्रेश्वरी वाले रोड पे। उसके बाद आपको 15 किलोमीटर तक सीधा चलना है वज्रेश्वरी वाले रोड पे। उसके बाद आपको लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट लेके आप जब सीधा आओगे तो अप्रॉक्स 3 किलोमीटर पे आपको लेफ़्ट लेना है वापस से, फिर आपको स्ट्रेट आना है और उसके बाद आपको लेना है एक राइट, और वो राइट जो स्ट्रेट रास्ता है वो आपको लेके जाएगा अस्नास डैम पे, और डैम मतलब 1 किलोमीटर से आपको दिखेगा, तो आपको वहाँ से भी एक लेफ़्ट लेना है। तो इतना मतलब ऐसा सिंपल हो गया ना, ऐसा लग रहा है कि रूट इतना सिंपल है, मज़ा आ रहा है। बहुत सही भाई, बहुत सही। तो अभी ऐसा है ना, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, मेरा गाने का मतलब आप समझ रहे हो ना, जिस लोकेशन के लिए मैं कब से बेकरार था, वो लोकेशन बस अभी 1 किलोमीटर दूरी पे है, और भाई ये जो 1 किलोमीटर है ना, वो है एडवेंचर। ओहो हो, यहाँ से ही ऐसा लग रहा है, वाइब है, वाइब है, वाइब है, बहुत प्यारा लोकेशन लग रहा है मुझे, बहुत सही भाई। ओहो, ये जो नीचे उतरने वाला सीन है ना, वो है एकदम भयंकर। तो अभी बस आराम से अपने को नीचे आना है और लोकेशन पे जाना है। प्रसाद भाई आगे है, क्योंकि एक ये यहाँ पे लेफ्ट था, तो भाई ने बोला कि मैं आगे जाके देखता हूँ, मैं बोला जाओ देखो।
बहुत क्लास है भाई। बिना कोई भी ऑफ रोडिंग है ना, अच्छी चीज़ें आपको कभी नहीं देखने मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ मतलब जैसे कच्चे रोड पे नहीं जाना है तो अलग बात है, बट क्या हुआ भाई? नहीं, लोकेशन एक बार देख लेते हैं क्या? तुम चालू रखे थे कि बंद कर दिया? तो जो कोई भी आता है यहाँ पे है ट्विस्ट कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, तो अभी हम लोग आपको बताएंगे कि कहाँ जाना है। सीधा जाना है ना? अच्छा, इसके आगे और एक लेफ्ट है। ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जैसा आप जगह देख रहे हो तो आपको स्ट्रेट जाना है, आपको लेफ्ट नहीं जाना है। तो अभी फिलहाल हम स्ट्रेट जा रहे हैं और मैप ने बताया है कि और एक लेफ्ट है आगे, तो देखते हैं। और यहाँ पे ना एक अच्छी चीज़ ये है कि जियो का नेटवर्क है। ऑफ रोडिंग, डिंग 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 डिंग, खिंचा खिंचा, माय गॉड भाई, ऐसे झटके लगते हैं ना गाड़ी पे। ओहो, ये कहाँ आ गए हम, अभी ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत बड़े बड़े पत्थर है यार। डैम डैम डैम, कहाँ है डैम? काका डैम सटी सरल है ना? ओके ओके ओके, थैंक यू। क्या है ना, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना चाहिए कभी भी। तो उन्होंने बोला स्ट्रेट है, तो अपने को स्ट्रेट जाना है। इकड़े चला बाबा, वरती जाऊया अपन। रोडिंग तो क्या ही बोलूं मैं, जिंदगी में ऐसे मजे नहीं लिए ना, तो क्या किया फिर? हाँ ऐसा है, रास्तों की परवाह करेंगे तो मंजिल बुरा मान जाएगी। अब मुझे बताओ, अब बाइक कहाँ जाएगी? ओहो, अब इसके आगे भी बाइक जाएगी इन पत्थरों के ऊपर? भाई ये तो यार थोड़ा सा मेरे को है ना भूल भुलैया जैसा लग रहा है। आखिर में हम आ ही गए। सुकून कहाँ है? तो मैं बता दूं कि सुकून यहाँ है। तो भाई गाड़ी लगा दे यहीं पे, थोड़ा आगे लगा के देखूं। पहुंच गए पहुंच गए, गूगल मैप भी बोल रहा है पहुंच गए। चलो चले, थोड़ा अभी अंदर साइड जाके मजा करते ना भाई, क्या है क्या नहीं है देखते हैं। हाँ। ओ, बिन तेरे क्या जीना यार। ओ भाई बहुत सही है। अभी ना हम लोग सोच रहे हैं
कि जाके ज़रा सा पानी के यहाँ पे जाके देखते हैं बाइक जाती है क्या। तो फिलहाल उसी पे थोड़ा R&D और रास्ता तो भाई बहुत ही प्यारा, ऐसे रास्तों से ना हमको प्यार हो गया है। ऑफ रोडिंग ओ हो। अभी हम लोग इस जगह पे आए थे जो है असनास डैम। आप लोग जगह देख सकते हो भाई, बहुत ही क्लास है। बट जगह थोड़ा सा, मतलब मैं ऐसा डरा नहीं रहा हूँ, बट ऑफ रोडिंग है अच्छा खासा। तो जिस किसी को भी अच्छा एक्सपीरियंस हो वो लोग आएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो फिलहाल अभी मेरे साथ है प्रसाद पाटिल। तो जैसे मैं बता रहा था कि भाई के साथ मैंने बहुत राइड ऑलरेडी मैंने कर चुका है। तो जो राइड करना जो मेरा स्टार्ट हुआ था ना, वो भाई के साथ ही हुआ था 2012 में। तभी जो नेकेड वोल्स है, तभी वो टाइम पे राइड करते थे तो सिर्फ NS वाली चलती थी। हाँ, तो तभी से मैं को एक्चुअली वो कीड़ा आ गया राइड करने का। और भाई का अभी कैसा, शादी हो गया तो थोड़े से शांत हो गए, बट उनकी कसर मैं पूरी कर रहा हूँ। तो अभी जितने भी राइड्स होते हैं वो मैं करते रहता हूँ, इसलिए आप लोगों को व्लॉग देखने मिलता है। तो भाई पहली बार मेरे व्लॉग में आ रहे हैं, राइट। तो इनका भी जो इंस्टाग्राम चैनल है वो मैं जो मेरा डिस्क्रिप्शन होगा उस पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे एक बार जाके चेक कर लेना कि भाई कहाँ कहाँ घूमे हैं। और फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और जो कोई भी इस जगह पे आता है मैं आपको बता दूँ 12 किलोमीटर तक आपको ना कुछ खाने के लिए ना पीने के लिए मिलेगा। राइट। तो हम लोग ने जो डिसीजन लिया था, एकदम ऑफ रोडिंग है, और हम लोग ने पानी का बॉटल और एक चकली का पैकेट स्नैक लिया था। भाई चकली लिया था, कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है। तो हम लोग दोनों ने खाया, बहुत आराम किया। तो ये जो आप स्टोन्स देख रहे हो, यहीं पे हम थे, यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा गाड़ी यहाँ पे खड़ी की थी। तो जब गाड़ी यहाँ पे खड़ी की थी तो अभी थोड़ा छाँव था, तो अभी फ़िलहाल धूप हो गया है। और पता नहीं हम लोग दिख रहे कि नहीं, तो एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा सा ना गोल गोल घूम लेते हैं तो शायद दिखाई देगा। और चीज़ और एक चीज़ ये हो गई ना भाई, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है ना, ये मेरे लिए ना ऐसा लगता है बहुत हानिकारक है। बिकॉज ऐसा हो गया, DSLR तो मैं लेके आया भाई, उसकी बैटरी लो थी तो DSLR से तो फोटो नहीं खींच पाए, लेकिन अपना OnePlus 8 फोन से ही काम चला। हाँ, भाई के फोन से अभी जो फोटोज आएंगे ना, मतलब इंस्टा पे, तो भाई के फोन से लिया है। और इसके पहले भी हम लोग ने मनोर डैम का जो राइड किया था तो वो भी फोटोज भाई के फोन से ही लिया था। राइट। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? चलते। तो अभी यहाँ से चलते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मच्छी पकड़ रहे हैं, फिशिंग करने आए हैं। तो बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म। फिलहाल अपना जो बगीरा है वो हमेशा से यूज़फुल रहा है, तो आपको मैं दिखा दूँ वो कैसे यूज़फुल है। तो ये चार्जिंग वाला जो स्लॉट दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, इससे ना अभी फ़ोन चार्ज कर रहे थे हम लोग, OnePlus 8। अभी फ़िलहाल मैं अपना फ़ोन चार्ज करूँगा और निकलेंगे। तो ये जो वीडियो शूट हो रहा है, इस कैमरे को मैं बहुत ज़्यादा हिला रहा हूँ, ये हो रहा है ना जो ईकेन का जो एक्शन कैमरा है उससे हो रहा है। तो फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही, मतलब जो कोई भी अगर स्टार्ट करना चाहता है, जिसको मोटो व्लॉगिंग करना है, भाई ये कैमरा एकदम सॉर्टेड है, ठीक है। ये इस कंपनी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है प्रमोशन करने के लिए तो मैं आपको बता दूं, तो क्योंकि ये 2-3 बार मैं बोल चुका हूँ, बिकॉज़ ये चीज़ ऐसी है कि मतलब एक जो आम इंसान होता है ना उसके लिए ये अफोर्डेबल है, तो कोई भी खरीद सकता है। तो आगे निकलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रिटर्न अपने घर के लिए। आप लोगों को पता है यहाँ पे मैंने एक ऐसी चीज़ देखी, मतलब लोग कपड़े धोने के लिए इतनी दूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक कोई घर नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा सा मतलब एक शॉकिंग था मेरे लिए, बट होता होगा यार, मतलब गांव वालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हम ठहरे बम्बई के, हमको क्या पता कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने देखा ना कि बहुत लोग लकड़ी वगैरह काट के लेके जा रहे थे,
तो ये उसी के लिए रहेगा जैसे चूल्हे में हम खाना बनाते हैं, हो सकता है, बट चूल्हे पे जो खाना बनता है ना अलग ही टेस्ट है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई। मतलब मैंने बनाया नहीं है, मैंने खाया ज़रूर है वो अलग बात है, बट उसका टेस्ट अलग है। प्रसाद पाटिल के साथ राइड करने में अलग ही मजा है भाई, ना कभी गिव अप नहीं करता। मैंने भाई के साथ स्लोप ऑफ हेल का राइड किया था, गजब गजब मजा आया भाई। मतलब नाम ही देखो ना आप, स्लोप ऑफ हेल, ऐसे नाम थोड़ी ना रखा किसी ने। कभी किसी को करना है ना, डालना मैप पे स्लोप ऑफ हेल, और जाने के पहले यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लेना। मैं गया था बट ऐसा था कि वो टाइम पे मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था तो ब्लॉग नहीं बना पाया, बट फिर से जाना है मुझे, और स्पेशली ब्लॉग बनाना है और आप लोगों को बताना है कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप ऑफ हेल। तो ये देख रहे हो आप, ऐसे रास्ते को ना ढूंढना पड़ता है। और ये जो जगह है ना असनास डैम, कोई नहीं आता, बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। तो सुकून भरी जगह ये, तो जिस किसी को भी आना है भाई, मैंने ना बहुत डिटेल में मैंने व्लॉग में बताया हुआ है कि कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट, बाकी अगर कुछ ऐसा हुआ तो गूगल मैप है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे नेटवर्क है, तो जियो वालों बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने, नेटवर्क सब जगह पे है। हम लोग निकल रहे हैं रिटर्न अपने घर के लिए, तो भाई साहब के लिए तो बहुत ही नज़दीक है, इनके लिए तो 5 ही किलोमीटर है, लंबी हो जाएगी मुझे, तो घर पे जाएंगे अभी। भाई तेरे लिए तो 5 किलोमीटर ही है, मैं बोला तेरे लिए तो 5 किलोमीटर ही है, लंबी मेरे को होने वाली है। वो फाउंटेन होटल के यहाँ पे बस ट्रैफिक ना रहे, हाँ संडे के दिन भी ट्रैफिक रहता है। तो अभी आगे ही मिलते डायरेक्ट। अभी पहुंच गया मैं गोरेगांव ईस्ट में ओबेरॉय मॉल के पास, तो यहाँ से अभी मैं जाऊँगा वेस्ट में, और सबसे पहले अपने शॉप पे जाऊँगा। बहुत धूप है, बहुत गर्म हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड गो। यो, ये ऐसा वो रेस में होता है ना वैसा ही, सिग्नल खुलने का ये एक मज़ा है। यहाँ पे तो हमेशा ट्रैफिक मिलता है, कोई आवाज़ दे रहा था क्या मुझे, ऐसा मुझे लगा। क्या करे, इतना गर्म, और पेट्रोल भी ख़त्म होने आ गया। मैंने पेट्रोल पंप से 3 लीटर भरवाया था, 3 लीटर भरवाया था और 70, 140 मतलब वन समझो ना, एक 146, 147 किलोमीटर हुआ जाके आके, बहुत पेट्रोल गया भाई। फिर मुझे वापस से जाके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी कहीं पे भी बीच में बंद हो जाएगी। तो अभी मोटो व्लॉगिंग मज़ा आ रहा है करने में, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ऐसी चीज़ में मज़ा ही गया जो डिफ़िकल्ट ना हो, है कि नहीं। बाय बाय। अभी कैसा है, चेहरा तो नहीं दिख रहा है, बट आप यही समझो कि गंगाधर ही शक्तिमान है। बाय बाय एवरीवन।